ऑलराइट गाइस, दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम लोग अपने फोन्स में डिलीटेड चैट को व्हाट्सएप डिलीटेड चैट्स को हम पढ़ कैसे सकते हैं। और दोस्तों इससे पहले मैंने बहुत सारी व्हाट्सएप टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो बना रखी है, दोस्तों आप उन्हें जाके देख सकते हो, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि सबके जो चैट्स को रीड कैसे कर सकते हैं दोस्तों। पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपके दोस्त ने अभी आपकी चैट को डिलीट कर रखा है दोस्तों, आप उसको चाहते हो रीड करना दोस्तों, आपके लिए उसके लिए आपको यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो नहीं मिलेगी। मतलब गाइस आज से आप फ्यूचर में कर सकते हो, बिकॉज अगर आप ये पूरी वीडियो देख लोगे दोस्तों, देखने के बाद आप अपने दोस्त की चैट को रीड कर सकते हो जो किसने डिलीट कर दी। पर गाइस अभी के टाइम में अगर आप किसी ने डिलीट कर दी चैट, आप उसको रीड नहीं कर सकते, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। तो दोस्तों अगर आपको जानना है तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी। हेलो गाइस, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी एक्स यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्सएप रिलेटेड चैट्स को रीड आउट करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगी। दोस्तों सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी नहीं है, मैं आपको बता देना चाहूँगा, एकदम जेन्युइन एप्लीकेशन है दोस्तों। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, आप इसको मेरे डिस्क्रिप्शन में से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर आपको सिंपल आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर जाइए और एप्लीकेशन सर्च कर लीजिए, आपको ये नोटिस ऐप प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। आप वहाँ से सिंपली डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिए दोस्तों। इंस्टॉल करने के बाद अब आगे का सेटअप आपको मेरे फोन पे देखना पड़ेगा। सो गाइस चलिए चलते हैं मेरे फोन की स्क्रीन। सो गाइस हमारे पास जो नोटिस ऐप है दोस्तों, हमें इस पर सिंपली ओपन पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा हम जल्दी प्रोसेस करने वाले हैं, बिकॉज दोस्तों जल्दी सारी चीज़ें समझाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिस ऐप को आइकन बड़ा प्यारा लग रहा है दोस्तों, थोड़ा सा हम यहाँ पे सेव एंड नोटिफिकेशन है। तो गाइस यहाँ पे हमसे कुछ परमिशन पूछा है, तो हम सिंपली इस पर एग्री पे क्लिक करते हैं दोस्तों। हमारे सामने आ रहा है एक्सेस टू नोटिफिकेशन दोस्तों, हमसे यहाँ पे नोटिफिकेशन की परमिशन मांग रहा है कि क्या हम सभी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन दे सकते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे सिंपली इसे दे देना है। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिस ऐप की परमिशन को हम अलाउ कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम सिंपली बैक करेंगे दोस्तों, हमारी नोटिस ऐप खुल चुकी है दोस्तों। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है अलाउ नोटिस ऐप टू एक्सेस फोटो मीडिया एक्सेस करने के लिए दोस्तों कह रहा है। तो दोस्तों ये हमारे कनेक्टेड हो रहा है हमारे फोन के साथ दोस्तों, यहाँ पे हमारे फोन के साथ कनेक्टेड हो चुका है। और तो कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। जो क्लिक करने के बाद ये बकवास जो फालतू की ऐप्स है दोस्तों, हमें डायरेक्टली ऑफ कर देंगे दोस्तों। और दोस्तों सारी ऐप्स ऑफ हो गई हैं, और दोस्तों सारी ऐप आपको ऑफ भी कर देनी है। गाइस यहाँ पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप ओपन करना है दोस्तों। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद हम सिंपली यहाँ से बाहर ले लेते हैं, बाहर आ जाते हैं दोस्तों। बाहर आने के बाद दोस्तों हमारे सामने आ रहा है नॉट रिग्रेशन, बकवास है दोस्तों। यहाँ पे हमें सिंपली ऑटो सेव एप्लीकेशन के ऊपर अलो कर देना है दोस्तों। गाइस ऑटो स्टार्ट दोस्तों हमसे इन्फॉर्मेशन कर रहे थे तो हमने ऑलरेडी दे रखी ऑटो सेव की परमिशन, तो इसे सिंपली बैक कर देते हैं। वेल गाइस ये हमारा हो चुका है फुल सेटअप। और गाइस यहाँ पे मैं अपने दूसरे फ़ोन से इस नंबर पे मैं आपको कुछ मैसेज करके दिखाता हूँ दोस्तों। और गाइस मैसेज करने के बाद मैं यहाँ पे इस मैसेज को रिसीव नहीं करने वाला हूँ। और गाइस रिसीव कर रहे बिना मैं आप लोगों को यहाँ पे आपको मैसेज चेक करके बताऊँगा दोस्तों। मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ, मैं क्या लिख देता हूँ दोस्तों, सूरज। और गाइस मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेंड। तो वेल गाइस यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन पे इस नंबर पे सेंड कर दिया है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज अभी तक आया नहीं है। तो गाइस मैं यहाँ पे सिंपली इसको दोबारा सूरज को डिलीट कर देता हूँ दोस्तों, ये डिलीट कर चुका हूँ दोस्तों। तो वेल अगर आप मेरे व्हाट्सएप को ओपन करोगे तो गाइस यहाँ पे मेरे पापा का नंबर दिखा रहा है दोस्तों। यहाँ पे क्या मैसेज वॉज डिलीटेड। तो गाइस अब इस मैसेज को हम कैसे रीड करेंगे, हमारी ऐप की मदद से। गाइस अब यहाँ पे हमारी ऐप पे हम सिंपली अपनी ऐप को ओपन करते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे अपनी ऐप्स को ओपन करते के साथ में दोस्तों आपके सामने आ जाएगा कि पापा ने मुझे क्या मैसेज किया था दोस्तों। यहाँ पे लिख रखा है सूरज। वेल गाइस मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे देख करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको एक और मैसेज करके दिखाता हूँ, एक और डेमो दोस्तों मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। वेल गाइस मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ सर्च कर लिख देता हूँ। गाइस मैंने अभी यहाँ से एक बार सब्सक्राइब को मैंने मतलब सब्सक्राइब सेंड कर दिया दोस्तों। और उसको सेंड करने के बाद अगर इसे कोई डिलीट कर देता तो डिलीट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ मेरा व्हाट्सएप खोल के। तो गाइस यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया है सब्सक्राइब को दोस्तों, मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आता हूँ अपने व्हाट्सएप में, अगर ये देख सकते हो दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, दोबारा आ चुका है दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली इसे बैक करता हूँ। गाइस बैक करने के बाद हम यहाँ पे नोटिस ऐप पे आएंगे दोस्तों। नोटिस ऐप पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पापा ने मुझे क्या मैसेज किया, सब्सक्राइब। तो यस गाइस यही है यहाँ पे सबसे बड़ा पंगा, चैट्स को रीड आउट कर लिया। और दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन में रख सकते हो अगर आपका दोस्त बार बार चैट डिलीट करते रहता है। तो गाइस यहाँ पे आप अपने फोन रख सकते हो, और दोस्तों रखने के बाद आप अपने चैट्स को दोबारा रीड आउट कर सकते हो उनके जो भी डिलीटेड चैट हो गए। सो गाइस बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे और लेके आऊंगा इससे भी अच्छी व्हाट्सएप टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो को। सो गाइस बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे वीडियो में और लेके आऊंगा इससे भी अच्छी टेक वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।